हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द सेंजेस। सो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम। टॉपिक हमारा एक ब्रॉड टॉपिक है, एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखा होगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस एक ब्रॉड टॉपिक है, उसको हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। यानी गैमेटोजेनेसिस को हम लोग दो पार्ट में देख सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या, पहले चीज़ तो ये समझ लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन। अब वो गैमेट मेल गैमेट भी हो सकता है और वो गैमेट फीमेल गैमेट भी हो सकता है। अब गैमेट का फॉर्मेशन अगर मेल बॉडी में हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, यानी मेल गैमेट के नाम पे उसे रख देंगे क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर गैमेट का फॉर्मेशन फीमेल के अंदर हो रहा है तो उसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, ओजेनेसिस। तो हमें क्या समझा, गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। उस गैमेटोजेनेसिस को हम दो टॉपिक में पढ़ेंगे, दो अलग अलग वीडियोस में देखेंगे, क्या क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्म का फॉर्मेशन, एंड ओजेनेसिस यानी ओवम का फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस वीडियो में भी हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो कैसे रहा है पहले पार्ट में, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकेंगे। कुछ दिन पहले बोर्ड्स का एग्जाम हुआ, 12th बोर्ड का एग्जाम, वहाँ पे इससे कई क्वेश्चन आए हैं। पहला पार्ट हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो कैसे रहा है। सेकंड पार्ट हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कैसे किया जा रहा है, यानी कैसे उसका हार्मोनल रेगुलेशन हो रहा है, कहाँ से क्या क्या हार्मोन्स मिल रहे हैं तब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस हो पा रहा है। तो देखते क्या है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे पहले अगर एनसीईआरटी में बुक में आपने पढ़ा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस में वहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक कट सेक्शन दिया हुआ है, उस डायग्राम में काफ़ी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हमारा वो सेल जो कि आगे चल के स्पर्म का फॉर्मेशन कराने वाला है, यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन कराने वाला है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। यानी स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉयड सेल है, स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के स्पर्म का फॉर्मेशन कराने वाला है। हमें पता है कि गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, और गैमेट्स हैप्लॉयड है तो इसका मतलब 2n से वहां पे क्या हो जाना है, रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी मियोसिस के बाद 2n से हमारे सामने क्या होगा, n, यानी स्पर्म जो फाइनली हमें मिलेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। लेकिन एक हैप्लॉयड सेल कहां से बनेगा, एक डिप्लॉयड सेल से ही बनेगा, उस डिप्लॉयड सेल का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। देखते हैं क्या हमारा प्रोसेस स्टार्ट कैसे हो रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए एंड स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी, कुछ नहीं है यहाँ पे। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया का नंबर ज़्यादा नहीं होगा, तो वो हमारा कौन सा फेज चल रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज। यानी स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर रहा होगा, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। स्पर्मेटोगोनिया किसके थ्रू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस डिवीजन में पता है बस नंबर ऑफ सेल वहाँ पे इंक्रीज होते हैं, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्रोमोसोम नंबर पहले भी 2n था, अभी भी कैसा होगा, 2n। तो यहाँ हमने क्या देखा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी बना। ये हमारा प्रोसेस क्या है, ये हमारा फेज क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज। अब एक बार मल्टीप्लीकेशन हो गया, नहीं बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन गए, तो हम क्या बोलेंगे, अब इसमें हमें क्या कराना है, इस सेल में ग्रोथ कराना है। मल्टीप्लीकेशन फेज के बाद हमारा क्या है, ग्रोथ फेज, यानी जब स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज होने लगा। एक बार तो स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज हुआ तो उसे हम बोले मल्टीप्लीकेशन फेज। फिर क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में हमें देखा क्या, बस साइटोप्लाज्म का इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, और नाम बदल गया क्या, स्पर्मेटोगोनिया से। अब हम इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही आगे चल के हमारा एक्चुअली में स्पर्म का फॉर्मेशन कराने वाला है। यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी एक डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल है तो यहां तक भी कैसा प्रोसेस हुआ होगा, माइटोसिस ही चल रहा होगा। पहली बार में नंबर बढ़ा, दूसरी बार में साइज बढ़ा। आगे हमें क्या देखना है, अब हमें एक डिप्लॉयड सेल से एक हैप्लॉयड सेल बनाना है, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें एक्चुअली में बनाना क्या है, स्पर्म। देखते हैं कैसे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि ग्रोथ फेज के एंड में हमें मिला, ये 2n है, इसमें हमें क्या होगा, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होगा। यहाँ पे हमारा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, यानी एक सेल से दो सेल बनेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। यानी 2n से हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में हमें पता है, मियोसिस फर्स्ट को ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस टू हमारा एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा ही होता है, यानी यहाँ पर रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर हुआ, यानी 2n क्रोमोसोम से हमें क्या मिल गया, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसे हम बोल रहे थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जैसे ही मियोसिस के बाद हमें दो सेल मिले उनका हमने क्या नाम रख दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्योंकि दो सेल मिले तो इसको क्या कर दिया हमने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉयड है, यानी मियोसिस 1 के बाद हमें मिला है, अब इसमें हमें क्या कराना है, मियोसिस 2 भी कराना है। मियोसिस 2 में वापस से क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, एक बार क्रोमोसोम नंबर हाफ कहां हो गया हमारा, मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 में क्या होगा, बस सेल डिवाइड करेगा एक बार और, यानी एक से दो सेल बने थे, दो से अब फाइनली हमें क्या मिलने वाले, चार सेल, और चारों के चारों सेल कैसे होंगे, हैप्लॉयड। यानी कि मियोसिस 2 हमारा किस सेल में हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में।
मियोसिस टू। मियोसिस टू के एंड में हमें क्या मिला, चार सेल मिले, चारों चारों कैसे हैप्लोइड है, हैप्लोइड है, इनका नाम क्या पड़ गया, स्पर्मेटिड। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बाहर से, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अगर हम सेल को अरेंज करना स्टार्ट करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के एकदम पेरीफेरी पे हमें क्या देखने को मिलेगा, स्पर्मेटोगोनिया मिलेगा। उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन हुआ तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या मिलेगा हमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या मिलेगा, स्पर्मेटिड। यानी फाइनली हमें याद क्या करना है, स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड। एक बार स्पर्मेटिड बन गया यानी मियोसिस टू भी कंप्लीट हो गया, चार सेल मिल गए हमें, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पर्मेटिड में बस मॉडिफिकेशन कराना है। जैसे इसमें टेल का फॉर्मेशन कराना है, स्पर्म में हमें पता है टेल भी होता है, स्पर्म में एक्रोसोम एंजाइम्स होते हैं, तो ये जो सेकंड प्रोसेस हो रहा है हमारा, स्पर्मेटिड से स्पर्म एक्चुअल में फॉर्मेशन होना, जिसे हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। यानी फाइनली जब स्पर्म बॉडी से रिलीज होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्पर्मेटोजोआ। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी वो प्रोसेस जिसमें हमें स्पर्मेटिड का मॉडिफिकेशन करके स्पर्मेटोजोआ बनाया, फाइनल स्पर्म बनाया, वो क्या प्रोसेस का नाम क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। एक बार और मैंने क्या मेंशन किया यहाँ पे, रेड कलर से भी कुछ चीज़ें मेंशन की है, यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम नंबर दिखाया है। स्टार्ट हमने कैसे किया, क्योंकि ये मेल है तो कैसा होगा, 44 प्लस XY, वहाँ पे 44 प्लस XY, यहाँ पे 44 प्लस XY। फिर जब मियोसिस हुआ तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, यानी 22 प्लस X हो गया और 22 प्लस Y हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, 22 प्लस XX, 22 प्लस YY। एट द एंड हमें क्या मिला, दो स्पर्म ऐसे मिले जिसके पास एक्स क्रोमोसोम था, दो स्पर्म ऐसे मिले जिसके पास वाई क्रोमोसोम था। तो एक्स क्रोमोसोम वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं, गाइनोस्पर्म, यानी जो कि आगे चल के एक्स क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है। वाई क्रोमोसोम को हम क्या बोल सकते हैं, एंड्रोस्पर्म, यानी जो कि वाई क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है। यहां से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, ये तो चार्ट को हमने इजीली समझ लिया, यहां से हमें याद भी हो जाएगा, हमें पैराग्राफ के फॉर्म में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है नीट वगैरह में कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस वन, या मियोसिस वन कहां देखने को मिला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस वन के बाद हमें मिला क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस टू। मियोसिस टू के बाद हमें मिला क्या, स्पर्मेटिड। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है और क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होगा, अगर ये चार्ट याद है तो वो क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। क्या क्या, मियोसिस वन कहाँ हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। मियोसिस वन विल रिजल्ट इन टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस टू कहाँ हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस टू विल रिजल्ट इन टू स्पर्मेटिड। और इनका क्रोमोसोम नंबर भी पूछा सकता है कि कहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और कहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकंड पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, रेगुलेशन, यानी कैसे हार्मोन्स इन्हें रेगुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को हार्मोन्स कैसे रेगुलेट करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या यहाँ कौन कौन से ग्लैंड्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। हाइपोथैलेमस तो इन्वॉल्व होगा ही हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होगा, और टेस्टिस के से भी हार्मोन्स रिलीज होने वाले हैं। उन सभी चीज़ों के इन्वॉल्व होने से क्या होगा, हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा कंप्लीट होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे बॉडी को मोस्ट ऑफ द फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस ने किया क्या, GnRH भेजा। GnRH का फुल फॉर्म क्या है, गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, वो रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से, लेकिन पिट्यूटरी को सिग्नल किसने भेजा, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने क्या सिग्नल भेजा, GnRH के फॉर्म में, गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर गोनेडोट्रॉफिन, इसका मतलब रिलीज होगा, गोनेडोट्रॉफिन कहाँ से रिलीज होगा, रिलीज तो होगा पिट्यूटरी से, और पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, LH एंड FSH दोनों के काम हम लोग देखेंगे। मेल्स में LH को ही हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब हम टेस्टिस का कट सेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल कुछ होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल हम लोग किसे बोलते हैं, लेडिक सेल्स को ही हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और इसी के नाम पे क्या पड़ गया इसका, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या LH। सेकेंड हार्मोन क्या है, FSH। तो एक एक करके हम लोग दोनों हार्मोन का फंक्शन देखते हैं। LH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करा क्या रहा है, ये लेडिक सेल के पास गया। लेडिक सेल यानी टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हुआ, टेस्टोस्टेरोन यूज किस चीज में होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेन हार्मोन क्या है हमारा, FSH। FSH गया हमारा सर्टोली सेल के पास, जिन्हें हम बोलते हैं नर्व सेल्स। सर्टोली सेल से एक और क्वेश्चन क्या बनता है, सर्टोली सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर में भी फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। तो सर्टोली सेल से क्या रिलीज हुआ, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP।
एबीपी कराएगा क्या, हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस को इंक्रीज कराएगा। सर्टोली सेल से एबीपी रिलीज हुआ वो क्या करा रहा है, हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस को इंक्रीज करा रहा है, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी मेंटेन कर रहा है। कैसे मेंटेन कर रहा है वो देखते हैं हम लोग। एक बार तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को रेगुलेट किया, अब मान लेते हैं कि एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो गया, तब ऐसे कंडीशन में सर्टोली सेल ने एक और हार्मोन रिलीज किया, उसका नाम क्या है, इनहिबिन। इनहिबिन एक हार्मोन का नाम है जो कि रिलीज हो रहा है सर्टोली सेल से। इनहिबिन कराएगा क्या, नाम से क्लियर हो रहा है, इनहिबिट कराएगा किसी चीज को, किसको इनहिबिट कराएगा, ये इनहिबिट कराएगा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को। कैसे इनहिबिट कराएगा, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस हुआ हमारा, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होते ही इनहिबिन रिलीज हुआ, इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक भेजेगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है, नेगेटिव फीडबैक भेजेगा यानी हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगा और पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा। हाइपोथैलेमस ने तुरंत क्या किया, जीएनआरएच कम करा दिया, जीएनआरएच कम हो गया तो LHFSH कम हो गया, LHFSH कम हो गया तो वापस से स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो गया। सेकंड फंक्शन क्या देख रहे हैं हम, लेडिक सेल जो कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा था, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज हो गया तो टेस्टोस्टेरोन ब्लड में बढ़ जाएगा, ब्लड के थ्रू हमारा सिग्नल कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास, वहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक जनरेट होगा, यानी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से बोला जाएगा कि अपने अपने हार्मोन्स कम करो, यानी हाइपोथैलेमस वापस से GnRH कम किया, उसकी वजह से FSH और LH भी कम हुआ, LH कम हुआ तो टेस्टोस्टेरोन फाइनली कम हो गया, यानी कि नेगेटिव फीडबैक को भी यहाँ पे एक तरह से मैकेनिज्म हमारा काम कर रहा है जब एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो जा रहा है या टेस्टोस्टेरोन का लेवल जरूरत से ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो इसी के साथ क्या होता है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, मेन पार्ट हमारा यहाँ था, क्वेश्चन लगभग 6-7 क्वेश्चन अकेले यहाँ से बनाए जा सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, एक्चुअली में गैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे ओजेनेसिस यानी कैसे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, सी ऑल इन आर नेक्स्ट वीडियो।